कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। जयपुर के आमेर महल में बने वॉच टावर पर बिजली गिरी, जिसमें 20 लोगों की जान चली गई। राजस्थान सरकार ने मृतकों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में बैतूल में एक घर के बाहर खड़े शख्स की बिजली गिरी, तो वहीं उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, कानपुर देहात, श्रावस्ती और उन्नाव में भी कई लोगों पर बिजली का कहर बनकर टूटा, जिसकी वजह से यूपी में 40 लोगों की मौत हो गई। एक बिजली चमकी और मौत का अंधेरा छा गया। बारिश के बीच रविवार की छुट्टी का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में सैलानी आमेर फोर्ट पहुंचे। फोटोग्राफी और सेल्फी लेने का सिलसिला चल रहा था, लेकिन खुशियों पर इस तरह वज्रपात हुआ कि चारों ओर चीख पुकार मच गई। वॉट टावर पर अचानक बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में कई सैलानी आ गए। बताया जा रहा है कि कई सैलानी तो पहाड़ियों के बीच झाड़ियों में भी गिर गए। लोगों की मदद से पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भी भागी भागी पहुंची। कईयों को अस्पताल भी पहुंचा दिया गया, लेकिन मृतकों का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। दो बुर्ज बनी हुई है, काफ़ी हाइट पर, लगभग 2-2.5 हज़ार सीढ़ियों के ऊपर। वहाँ पर कुछ लोग घूमने के लिए आए थे, अचानक बिजली गिरी तो वहाँ पर कोई छिपने का स्थान नहीं था, वो लोग उसकी चपेट में आ गए। मौके पर तुरंत पुलिस का जाप्ता, SDRF, सिविल डिफेंस और स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की। राजस्थान में कुदरत का ये कहर कोटा, सवाई माधोपुर समेत कई जगहों पर टूटा है। आकाशीय बिजली से हुई मौत पर राजस्थान सरकार ने मुआवजे का मरहम लगाने की कोशिश भी की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर अपनी संवेदना भी जताई। कोटा, धौलपुर, झालावाड़, जयपुर और बारा में आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रभावितों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, ईश्वर उन्हें संबल प्रदान करे। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित परिवारों को शीघ्र सहायता उपलब्ध करवाएं। मध्य प्रदेश के बैतूल में मौत तो घर की दहलीज तक चली आई। लंबे इंतजार के बाद बारिश की फुहार पड़ी तो 48 साल के सालक राम घर के दरवाजे पर खड़े होकर लुत्फ उठाने लगे कि तभी आसमान से बिजली गिरी और उनकी मौत हो गई।